गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड डबल सेवन डबल सेवन कैसे हैं आप सब लोग मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग ज़रा डीप एनालिसिस पे बेस्ड होगी ये आप ही की रीडिंग होगी और हम इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहेंगे कि वॉट इज़ योर लाइफ पर्पज़ हम लव रीडिंग भी करते रहते मैं लव रीडिंग भी करती रहती हूँ करंट एनर्जीज भी चेक करती रहती हूँ मैसेजेस लव मैसेजेस नो कांटेक्ट एंड एवरीथिंग बट uh, मैंने अपना चैनल जब स्टार्ट किया था तो अपनी इंट्यूशन पावर और साइकिक पावर के थ्रू मैं चाहती थी कि गाइडेंस की भी uh, मैं जो हूँ वो वीडियोस और uh, रीडिंग ज़रूर करूँगी और मैं करती भी आ रही हूँ तो आज जो है वो मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए uh, ये uh, रीडिंग करना चाह रही हूँ कि वॉट इज़ योर लाइफ पर्पज़ आप इस दुनिया में आए हैं तो आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है जिन लोगों को अब तक सोल पर्पज़ लाइफ पर्पज़ नहीं पता चलता गाइडेंस नहीं मिल पाती वो बस जिंदगी गुजार रहे होते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव अपना किसी एक्टिविटी में नहीं होते या कुछ लोग बग़ैर बताए अनडिलिब्रेटली या अन इंटेंशनली बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ये सारे काम क्यों करते हैं तो अपना लाइफ पर्पस जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की दीवी एक नेमत है और अमानत भी है इसको सही तरीके से गुज़ारना बहुत ज़रूरी है तो आज की रीडिंग जो है हम इसी तरह से चेक करते हैं कि टैरो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं ऑरिकल से जानने की कोशिश करते हैं मैं मोस्टली ऑरिकल्स यूज़ करूँगी बिकॉज़ टैरो में स्पेसिफ़िक मैसेजेज होते हैं लेकिन ऑरिकल्स के अंदर एंजल एंजलिक औरकल्स जो होते हैं साइकिक औरकल्स जो होते हैं उसमें हमें जो है वो आ, पता चल जाता है तो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन बताना ज़रूरी था बिकॉज़ ये एक रेगुलर रीडिंग नहीं होगी तो लेट्स सी आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आते हैं क्या आपको पता है कि आपके लाइफ का पर्पज़ क्या है अगर नहीं तो टैरो के थ्रू हम गाइडेंस लेने की थ्रू कोशिश करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर सो मच पेशेंस लेट स्टार्ट प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर का लाइफ परपस क्या है प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर का लाइफ परपस क्या है पहला ही कार्ड टू ऑफ कप्स का आ गया है जो कि लवर्स का भी कार्ड होता है रिकनसिलियेशन का भी कार्ड होता है लेकिन ये क्यों आया है यहाँ पर ये मैं आपको भी बताऊंगी फोर ऑफ पेंटिकल्स न दैरोफ्रेंट ये बहुत एक्सपेक्टेड था बहुत एक्सपेक्टेड था और राइट प्लीज गिव अस वन मोर कार्ड और राइट किंग ऑफ कप्स ब्यूटिफुल कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू माई ऑल व्यूअर्स जिनकी आज मैं रीडिंग कर रही हूँ और जिनका लाइफ परपज़ मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ टिल अप टिल नाउ कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं और एक और बात मैं यहाँ रिमाइंड करा दूँ रीडिंग uh, को पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं येस और नो सेशन भी करूँगी या तो बीच में कर लूँगी या फिर एंड में तो लाजमी करूँगी अच्छा टू ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस फ़ोर ऑफ़ पेंटिकल्स के टॉरस और वर्गो द हेरफेंट इन King of Cups कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस बहुत strong है यहाँ पर water sign और यहाँ पर earth sign बहुत ज़्यादा strong है अच्छा जी आपकी life का purpose क्या है आप यहाँ पर सबसे पहली बात आप इस दुनिया में peace maintain करने के लिए आए हैं लोगों की सुलह कराने के लिए आए हैं लोगों में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहस हो जाती है नज़रियात बदल जाते हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं परसेप्शन लोगों के गलत होने लगते हैं लोगों को डायरेक्शन सेट करने आए हैं आपके साथ जो भी पर्सन एसोसिएट होगा आप उसको ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ के डोंट्स में से निकाल कर डूज़ में कन्वर्ट करने के लिए लाए हैं अगर आप देखें तो यहाँ पर एक यिंग या न्यान की एनर्जी है और ये एक तरीके से डूज़ और डोंट्स डूज की बात होती है वाइट और ब्लैक की बात होती है आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छा है वो जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उनके अंदर होप के जरिए मोटिवेशन के ज़रिए उनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्गली अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल हैं और इस लॉयल्टी को आप किसी रिश्ते की बिना पर नहीं जो है वो प्रूफ कर रहे होते आप बाय नेचर बाय बॉन्ड बाय बर्थ आपके अंदर ये एबिलिटी है और ये आपकी लाइफ का पर्पस है ही ये कि आप जिसके साथ भी एसोसिएट हो चाहे वो किसी भी रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना आ रहा हो आप उसको अपने साथ रहते हुए उसकी लाइफ का पर्पस बताएंगे अगर उसका परसेप्शन दुनिया को मामला को दिलों को मोहब्बतों को रिश्तों को लेकर बहुत नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन और पाथ दिखाते हैं आपकी लाइफ का सबसे पहला पर्पस यही है कि आप लोगों को पॉजिटिव वाइब देने पॉजिटिव परसेप्शन में ढालने और सुलह करने रिकन्सिलियेशन ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि पैचअप का कार्ड होता है अगर हम लव रीडिंग कर रहे होते लेकिन यहाँ मुझे जो वाइब आ रही है वो ये कि आप जो हैं वो सुलह करने वाले वाले पर्सन हैं और ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी सिफत है विद दिस फोर ऑफ़ पेंटिकल्स आई फील कि खुदा ताला ने ऊपर वाले ने आपको बहुत अतः किया है आपको बहुत नवाज़ा है चाहे वो फाइनेंशियली हो टेंजिबल फॉर्म में हो करेंसी की फॉर्म में हो मटेरियल की फॉर्म में हो या एबिलिटीज़ की फॉर्म में हो आपको आपको ऊपर वाले ने चुना हुआ है लोगों की मदद करने के लिए और आपको बज़ दफ़ा ऐसा फील भी होता होगा कि कभी कभी आपके पास रिसोर्सेज होती भी होंगी और आप जो है वो चाहते होंगे कि आप सबको सबका सबके लिए सब कुछ कर दें लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्यों क्योंकि आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड दोनों को बैलेंस लेकर चलना है आपका लाइफ पर्पस एक तरीके से ये भी है यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरिस जबकि फोर ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो बड़ा ही सिक्योरिटी का कार्ड होता है पजेसिवनेस का कार्ड होता है मटेरियल को बड़ा होल्ड करने का कार्ड होता है लेकिन यहाँ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आप ये देखें ये कितना मेटेलिक हैंड है बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैंड है लेकिन आपका हाथ कभी भी कुछ भी आ, दान करने में चैरिटी करने में कभी भी यू आर द फर्स्ट वन आप अपनी इसतात के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो पहले पर्सन होते हैं जो हमेशा देने के लिए तैयार होते हैं आप कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं उठाते लेकिन आपके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी हैं ये इस वजह से आप कि लेकिन आपके पास जो कुछ भी है आप अपने लिए नहीं आप दूसरों ही के लिए सोचते हैं आपका एक लाइफ पर्पस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना लोगों को कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्किल की तरफ पुश करना आ, यहाँ पर बहुत से लोग स्कॉलर हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं गाइड हो सकते हैं मैंटोर हो सकते हैं को किसी ना किसी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं पोप हो सकते हैं प्रीस्ट हो सकते हैं आ, आ, पंडित हो सकते हैं मौलाना हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं किसी भी ऐसी फॉर्म में जो कि स्टोरी टेलिंग आपको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी आपको नरेशन बहुत अच्छी आती है और आप बच्चों को लोगों को सिखाने में बताने में गाइड करने में एक अलग ही सलाहियत रखते हैं आपका लाइफ पर्पस बेसिकली यहाँ पर आकर पीस मेंटेन करना है लोगों को गाइड करना है चैरिटी करना है और ये एबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सबसे ख़ास बात आपकी लाइफ का पर्पस ये कि आप चाहे कुछ भी हो जाए यू आर वेरी फॉरगिविंग वेरी लविंग वेरी केयरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन आप अब अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सरवाइव करने के बाद अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि कब देना है कितना देना है और किसको देना है अब आपके अंदर ये मच्योरिटी आ गई है कि अपनी लेगेसी को अपनी लग्जरी को अपनी मोहब्बत को अपने इमोशंस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है लेकिन आ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर अ वेरी जैन जेनविन सोल और आप बहुत ही गिविंग और बहुत ही एक्सेप्टिंग पर्सन हैं आप लोगों को लोगों की तरह से जज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उनके सोशल स्टेटस की वजह से उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आप उनको जज नहीं करते आप बंदे को देखते हैं आप इंसान को देखते हैं कि बहसीियत इंसान वो कैसा है वो लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है वो अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसा है वो लेने देने में कैसा है आपके सर्कल के जितने भी लोग हैं अगर उनकी एक्स वाई जी हैबिट्स कुछ टॉक्सिक या कुछ गलत हैं भी लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है द रीडिंग विच आई एम डूइंग इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी रीडिंग इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग एंड वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग आप शायद शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको शायद पता है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं वो स्पिरिचुअली समहाव कनेक्टेड होते हैं डिवाइन सोर्सेज से और उनको उनकी इंट्यूशनस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉग होती हैं क्योंकि क्योसिटी होती है उनके अंदर जानने की और ऊपर वाले ने हमको एज़ ह्यूमन जो ज़मीन पे भेजा है वो क्रियोसिटी के साथ ही भेजा है कि हम आएँ इस दुनिया में और मुताल करें यानी कि एनालिसिस करें तो ये जिनकी मैं आज रीडिंग कर रही हूँ उनकी लाइफ का पर्पस फॉर श्योर बहुत हाई है जो लोग नहीं जानते थे आज जान लें और जो लोग ऑलरेडी जानते थे कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू और जिन लोग जो लोग इस डेवलपमेंटल फ़ेज़ में हैं उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है कि आप आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत आ, बहुत ऑनर जो है वो रिसीव करने वाले हैं लेट्स सी मोर और हम जानने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है टू कार हैफ्रेंड दो दफ़ा आया है ये कन्फर्मे आप देखिए मैंने अभी कहा था कि आप स्कॉलर हो सकते हैं पोप हो सकते हैं प्रीस्ट हो सकते हैं मौलाना हो सकते हैं गाइड हो सकते हैं यू कैन सी आप पीस मेंटेन करने वाले पर्सन हैं और आपको शायद डिवाइन मैसेजेस मिलते भी हैं आपके ऊपर ऊपर वाले की बहुत बड़ी अता है आपकी लाइफ का पर्पस असल में यही है कि लोग शायद नॉर्मल ये बातें समझ नहीं पाते कि आपको आगाही हो जाती है आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एनालाइज कर लेते हैं असेस कर लेते हैं पहले से लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप लोगों को शायद स्ट्रेट वर्ड्स में ये नहीं बता सकते कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है लेकिन आप लोगों को गाइड कर सकते हैं ये सेकेंड कन्फर्मेशन आई है पेज ऑफ फोन आपके अंदर एक बहुत यानी कि हेरोफेंट के बाद फ़ौरन से पेज ऑफ वनस आया है आप अपनी इस एबिलिटी की वजह से आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं आपका बस नहीं चल रहा कि आप अपनी साइकिक पावर से किस तरीके से धमाल मचा दें इस वक्त आज आजकल आपको अपनी आ, जो सबसे बड़ा पर्पस अपनी लाइफ का पता चल रहा है कोई एक चीज़ है जिसकी बारे में आपने ठान लिया है कोई एक ऐसा आपको मकसद मिला है जिसका आपने ठान लिया है कि आप वो करके ही रहेंगे हो सकता है वो कुछ नेचर से रिलेटेड हो हो सकता है वो कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड हो हो सकता है वो कुछ आ, कुछ एक्सप्लोर करने से रिलेटेड हो कुछ ना कुछ ऐसा है आपको पहाड़ों पर जाकर जो है आप बुक राइटिंग कर सकते हैं आपको कोई आइडिया चाहिए है आपको अपनी कोई बुक लिखनी है और आपको हिल स्टेशन पर जाना है और आपको सर्च करना है कि आप किस तरीके से उसके अंदर इन डेप्थ कुछ ड्रामा क्रिएट करें कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है मैं एग्जांपल दे रही हूँ बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपने अभी फ्रेशली आइडेंटिफाई की है एंड यू आर ऑन इट बिकॉज ये आपकी लाइफ के पर्पस को शायद आपको अपनी रिसेंटली अपने लाइफ का पर्पस पता चला है कि नाउ आई शुड डू दिस और आजकल आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट हुए हुए हैं विद दिस पेज ऑफ फॉर्म्स सिक्स ऑफ सोर्स डेफिनेटली आप पीस मैंटेन करना चाह रहे हैं आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रहे हैं या तो कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाह रहा है uh, किसी न किसी सूरत में आप किसी को किसी न किसी तरीके से आप अपने लाइफ में लोगों की लाइफ में पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं यू डोंट वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु क्रिएट्स यू नो थंडर स्टॉम्स और हु ब्रिंक थंडर स्टॉम्स इन पीपल्स लाइफ आप हर लिहाज से एक हारमोनी मेंटेन करना चाह रहे हैं जो रह रहा है रहे जो नहीं रह रहा ना रहे बट यू डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ यू नो आप अब आपने अब ये तय कर लिया है कि बस अब ये बस हो गई है अब आपको किसी भी किस्म का अपनी लाइफ का पर्पस इस तरह का नहीं बनाना जिसमें आप वायलेंस में आप लड़ाइयों में आप आर्ग्यूमेंट्स में आप अननेसेसरी डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बने यू जस्ट वांट पीस और उसके लिए अगर आपको दुनिया से कटना भी पड़ेगा तो शायद आप इस वक्त कटने के लिए तैयार हैं बिकॉज़ यू आर नो मोर नो मोर यू नो रिक्वायर्ड यू डोंट फील लाइक यू समटाइम्स यू फील लेफ्ट आउट फॉर दिस अर्थ फाइव डी वर्ल्ड आपको बाजफ ऐसा भी लगता है कि ऊपर वाले ने सब कुछ अता कर दिया शहरत नाम पैसा सब कुछ अब क्या अब शायद आप यहाँ के लिए नहीं है बट नो यू आर फॉर दिस वर्ल्ड वील टेक वन मोर कार्ड एंड देन वील स्टार्ट टेकिंग कार्ड्स फ्रॉम दी औरकल्स प्लीज़ गिव एस वन मोर कार्ड ओके दो कार्ड्स आ गए हैं द स्ट्रेंथ येस आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर कर ली है जिसकी वजह से आपको ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है जिसमें अब आपको किसी भी एक्स वाई जी की कोई सपोर्ट की नीड नहीं है आप अकेले ही बहुत इनफ हैं चाहे कोई बड़ी से बड़ी रुकावट आ जाए आप को लोगों को टेम करने की हालात कर, हालात को टेम कर लेने की बहुत अच्छी सलाहियत आपके अंदर है एंड uh, ये शायद आपके एक्सपीरियंस से हुई है आपके सर्वाइवल से हुई है uh, मुझे मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वो लेडीज़ लग रही हैं क्योंकि इस कार्ड में लेडीज़ हैं और इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती आई एम सॉरी बीच में कॉल आ गई थी ओके okay, ये लास्ट कार्ड एक एक्स्ट्रा आया था टेन ऑफ पेंटिकल्स का विच शोज के आप अब बिल्कुल कम्प्लीटली अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए अपनी लेगेसी के लिए और अपने बहुत लव्ड वंस के लिए ही आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं अब आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं अब आप अपने पेंटिकल्स को अपनी अपने फाइनेंसिस को अपनी फ़ैमिली को हर लिहाज से उनके लिए आप यानी आपकी लाइफ का एक पर्पस ये भी है कि आखिरी सांस तक आखिरी सांस तक आपने अपनी फैमिली के लिए अपने लव वंस के लिए जो है वो हार नहीं माननी शायद यही आपकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉगेस्ट पर्पस है कि आप अपनी लाइफ में शायद जिंदा और जीते ही सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वैसे तो सब लोग ही अपनी फैमिली के लिए जीते हैं लेकिन एक पॉइंट पर आकर बहुत सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं हालात की वजह से मामला की वजह से कॉन्फ्लिक्स की वजह से लेकिन आपके अंदर अब ये डे टू डे एबिलिटी इतनी पख पुख्ता हो चुकी है कि अब आपका एक ही वार जो होता है वो किसी को भी ढह कर देने के लिए ना काफ़ी होता है सो so ये आपकी लाइफ का स्ट्रॉगेस्ट पर्पज़ है दैट यू लिव फॉर योर फैमिली बाई योर फैमिली विद योर फैमिली ठीक है ना अब हम और जानने की कोशिश करते हैं प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर की लाइफ का पर्पस क्या है ओके टू मोर कार्ड्स टू कार्ड्स आ गए हैं द ड्रीम ओके आइसोलेशन मैंने अभी बात की थी कि पीस मेंटेन करने के लिए आपने ये प्लान कर लिया है कि अब आप लोग दुनिया से कट जाएंगे आप बहुत हार्ड ब्रोकन हैं क्योंकि देखें महरूमिया और आजमाइशें ऊपर वाला बड़े सेलेक्टेड लोगों को देता है आपने बड़ा कोल्ड बिहेवियर लोगों का बर्दाश्त किया है टिल डेड आप ऐसे ऐसे बिहेवियर्स लोगों के बर्दाशत करते हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बर्फ़ हो चुके हैं बिल्कुल सर्द हो चुके हैं यानी कि आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं अब आपके ऊपर किसी की भी तोहमात का बुरी बातों का बदफालों का गंदी इल्ज़ाम का और टॉक्सिसिटी का कोई असर नहीं पड़ता और अब आपको मुझे यहाँ पर हालांकि ये ड्रीम कार्ड बहुत रोमांटिक कार्ड है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने फादर से मिलना चाहते हैं ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आया है बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आया है लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है इस कार्ड को देखकर हो सकता है कि अब आपको ख़्वाब में जो है वो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हों जो जब आप सुबह उठते हों तो आप रिफ़्लेक्ट करते हों कि मुझे ये जो ख्वाब हाँ आया ये मुझे कैसा ख्वाब हाँ आया था क्यों मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी क्यों मैंने किसी को इस तरीके से ख्वाब में देखा और आपके ड्रीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ के पर्पज़ को डायरेक्शन में सेट करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं और ये भी आपकी लाइफ के पर्पस का जो है वो स्ट्रॉगेस्ट टूल है इसको कभी भी मत भूलिएगा कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो आपके राइट गाइड हैं तो ये बहुत जो है वो स्पेसिफिक जो है वो बात है कुछ के लिए होगी लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपने शायद अपने लव वंस को और अपने लवर को या किसी बहुत ही क्लोज्ड किसी बहुत ही क्लोज पर्सन को आपने जो है वो मिस uh, किया है और अब आप शायद ख्वाब में ही उनसे मिलते हैं और किसी को या तो फिर ऐसा अगर नहीं है तो कोई ना कोई ख्वाब में आपको इस तरीके से देख रहा है कि आप उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं आप उसके लिए कुछ सोच रहे हैं सोचते सोचते सो रहे हैं बट डेफिनेटली ड्रीम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट प्लीज़ हमें गाइड कीजिए हमें और मैसेजेस दीजिए कि मेरे व्यूअर की लाइफ का पर्पस क्या है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अभी मैं ये बात कह रही थी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब आप हालात को और मामला को और लोगों को टेम करने की सलाहियत रखते हैं और यहाँ पर बहुत क्लियर हो रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकॉज बेसिकली कुछ लोग अभी अपने लाइफ पर्पज़ को आइडेंटिफाई करने की जर्नी में हैं और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है और जिन लोगों को आज पता नहीं जिन लोगों को अब तक पता नहीं था आज उनको पता चल गया है तो दिस तो इज़ वेरी दिस इज़ वेरी स्ट्रोंग बिकॉज मुश्किल अगर आप अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं तो आप कप, आपकी लर्निंग कभी भी नहीं होती कम्फर्ट जोन ग्रोथ लर्निंग जोन और फिर ग्रोथ जोन ये तीन जोनज होते हैं जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालते हैं तो आप कुछ सीखते हैं और उस सीखने के दौरान बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं लेकिन वंस आप उस उस डिफ़िकल्टी पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता लेट्स <coughs> पहले मैं यहाँ पर आपकी आपकी लाइफ पर्पज़ में आपका लविंग साइड देख लूँ वेरी सोन क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू बहुत जल्द आपके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा ट्रुथ भी रिवील होने वाला है जो आपकी लाइफ के पर्पस को एक एज देगा और इट कुड बी एनीथिंग इट कुड बी, एक, इट बी योर एक्स इट कुड बी फ्रॉम योर करेंट पार्टनर इट कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आने वाली है आपकी लव लाइफ को लेकर जो आपके लाइफ के पर्पस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और फिर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तरफ जो आ रहा है जो भी है वो ठीक है या नहीं ठीक है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सोन प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड देन आई टेक एन अदर डे प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर की लाइफ का पर्पज़ न्यू लव ओके कोई ना कोई आपसे इंस्पायर होकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और डेफ़िनेटली अ न्यू पर्सन हेजटर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स किसी ना किसी ने आपको ज़रूर इस बात की तरफ डाइवर्ट करवाना है कि तमाम चीज़ों के बरअक्स आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तमाम चीज़ें हैं बट देर इज़ समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ इट कुड बी अ रिलेशनशिप इट कुड बी अ पर्सन इट कुड बी एट वर्क प्लेस बट कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो बिल्कुल आपके आपके आगे सरेंडर कर देगा बिल्कुल नील डाउन बिल्कुल बो डाउन हो जाएगा बिकॉज उसको भी ये नज़र आ जाएगा दैट यू आर समथिंग डिफरेंट आप कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग लाइक यू नो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर जो है वो आ, सलाहियत है लेट सी कि आपकी इस एबिलिटी में आपकी अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल रहा है चैरिटी सी प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन कनेक्ट विथ हेवन आस्क एंड यू शैल रिसीव मैंने शुरू में ही कहा था कि आप चैरिटी में वो पहले पर्सन होते हैं जो आपके पास अगर दो रुपए भी होंगे ना या दो डॉलर भी होंगे या जिस करेंसी को भी आप यूज़ करते हैं तो वह आप एक शायद अपने पास रखेंगे और आप एक किसी और को दे देंगे और इसी में आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है सो डू दिस ये आपकी लाइफ के पर्पस की एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिविटी है कि आप चैरिटी करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो अगर आप होते हैं तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट वन मोर थिंग प्लीज़ गिव अस कार्ड्स प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर की लाइफ का पर्पस मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आई अपॉलोजाइज बट आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट uh, है क्योंकि हम तमाम चीज़ों को जाने और हम यही ना जाने कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है तो फिर इट्स यूज़लेस हम अपनी ज़िंदगी को जो कि ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत नमत हमें दी है उसके जवाब दें हैं उसको सही से इस्तेमाल करने के जवाब दें प्लीज़ गिव अस कार्ड्स रिवर की लाइफ का पर्पस, ओके कुथूमी कुथूमी क्लोक ऑफ विजडम ये भी एक तरीके से हैरोफ्रेंड का एक कार्ड है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो सी आई थिंक ये हिंदू uh, रिलीजन में कोई ना कोई डेफिनेटली कैरेक्टर होगा प्लीज़ अपोलोजाइज मुझे uh, इतना डिटेल में हिंदू कैरेक्टर्स को स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स का नहीं पता बट क्लोक ऑफ विजडम दैट मीन्स डेफिनेटली एक ऐसा इंसान जो कि नॉलेज रखता है और हर रिलीजन के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे लोग ज़रूर गुजरे हैं जो लोगों को ज्ञान यानी कि नॉलेज देते हैं आपके अंदर सबसे बड़ी बात जो दो दफ़ा हेरोफ्रेंट आया था ये थर्ड टाइम एक कंफर्मेशन आई है कि आपके अंदर जो विजडम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसके ऊपर भरोसा रखें और उसकी उसके ऊपर अपना फेथ रखें अपना बिलीफ रखें क्योंकि आप जो सेंस करते हैं वो बहुत एक्यूरेट होता है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं होता वो किसी न किसी तरीके से आपको एक मैसेज रिवील होता है सो प्लीज़ कीप डूइंग ऑल दोज गुड एक्ट्स जो आप अपनी लाइफ में अब तक करते आ रहे हैं बिकॉज़ वो आपको आपकी लाइफ के पर्पस की तरफ ही मूव करवा रहे हैं और जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं प्लीज़ कीप डूइंग दैट बिकॉज़ यू पीपल आर नॉट नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी पीपल ट्रस्ट मी मैं अब फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि डिवाइन फेमिनिन निकाला है तो ये तो खाली लेडीज़ के लिए होगा ठीक है मैं इसके बाद येस और नो सेशन करूँगी प्लीज़ गाइड अस कि जिन लोगों की ये रीडिंग निकली है जिनका लाइफ पर्पज़ आज इस तरह से रिवील हुआ है तो उनके लिए फ़र्दर गाइडेंस क्या है इन इन द क्वीन ऑफ हेवन एंड अर्थ आई हैव नथिंग टू हाइड आई सी एंड एक्सेप्ट ऑल दैट आई एम ये किंग ऑफ़ कप्स की तरह का एक कार्ड है दैट अ पर्सन इज सेंग दैट आप एक क्वीन हैं जो कि जन्नत की भी है और इस दुनिया की भी है इस ज़मीन की भी है आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आप कुछ छुपाना पड़ता ही नहीं है यू आर एन एंजल इन योर सेल्फ आपको जो नजर आता है आप उसको इतनी ट्रांसपेरेंसी से फ़िल्टर करके मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देख लेते हैं कि आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं और जो सबसे पहला कार्ड आया था कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए हैं को रिजॉल्व करने के लिए हैं इसी तरह से आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें कैथरीन लेबोरे द पेटर्नस ऑफ मेराकुलस हीलिंग आई एम रेडी टू हील आई एम वर्थी ऑफ द मेरेकल्स मैंट फॉर मी मैंने पहले भी कहा था कि आपके अंदर एक गाइडिंग स्पिरट है आप लोगों को गाइड करते हैं सुलह करवाते हैं लोगों के मसलों के हल उनको बताते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर राइट नाउ कि बहुत सारे लोग आपसे बात करना बात करते होंगे और उनको बात करते करते ही आपसे जो है वो एंड में वो आपसे बात कहते होंगे यार देखो मैं इतने दिनों से परेशान था या परेशान थी और तुमसे बात हुई तो मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया एक्चुअली वो उनको वो राइट right पर्सन भी नहीं मिल रहा होता जिससे वो बात करके अपना दिल हल्का कर लें वो आपको कॉल घुमा लेते हैं टेक्स्ट कर देते हैं बात कर लेते हैं ख़ुद ही बात करके उनका मसले का हल होता है लेकिन वो सोर्स जो है ना वो आप बनते हैं तो आपके अंदर डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एबिलिटी है कि लोग आपके पास आते हैं ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है वरना दुनिया में लोगों के पास आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं है कोई आपसे पाँच मिनट की बात करे या कोई आपके साथ पाँच घंटे बिठाए पाँच घंटे आपके पास बैठे आपकी पर्सनालिटी की जो वाइब्स है ना आप जो मुझे लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप जिसके साथ बैठते होंगे स्पेशली हीलिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टच एलिमेंट आप किसी को हाथ उससे हाथ मिलाना आ, शेक करना फ़ील करना आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप एक बड़ी ही प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ किसी से मिलते हैं जो आपका दिल में होता है ना वो आपके त, आपकी बॉडी की एनर्जी एक्सचेंज कर रही होती है एंड आई एम वेरी वेरी मच श्योर देखिएगा टेस्ट कीजिएगा कुछ लोगों से पूछिएगा हक करके हाथ मिलाकर आपको सेंस हो जाता होगा कि अगले की क्या वाइब है कुछ लोगों से आपको बड़ी झंझलाहट होती होगी और आप लोगों से भी पूछिएगा कि जब वो आप उसको आप उनको गले लगाते हैं आप उनसे मिलते हैं तो उनके उनको कैसा फ़ील होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि आप अपनी फ़ैमिली से ये बात पूछिएगा बिकॉज़ शायद हम अपने बच्चों को अपने बहन भाइयों को अपने पेरेंट्स को इसीलिए शायद गले लगाते हैं और बहुत सारे बच्चे और मुझे अब ये कार्ड बहुत क्लियर नज़र आ रहा है शायद अब अपने फादर से मिलकर जो है वो बहुत हील होते होंगे और आपने ये चीज़ जो है वो फ़ील की होगी और ये चीज़ आपके अंदर आ गई होगी ठीक है वेरी वेरी स्ट्रोंग रीडिंग आई मस्त से वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग आई एम सो टचड राइट नाउ कि ये रीडिंग आई है और मैं दुआ करती हूँ कि अगर आप इतने खूबसूरत इंसान हैं तो आप इतने ही खूबसूरत इंसान बनके इस दुनिया से जाए क्योंकि यहाँ आप जो अच्छे काम करेंगे वो डेफ़िनेटली ऊपर जाकर जो है वो काम आएंगे लेट सी सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया आज तो थर्टी मिनट्स की रीडिंग हो गई प्लीज़ आप अपना येस और नो क्वेश्चन कर लें वो इस रीडिंग के बियॉन्ड भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग से रिलेटेड हो आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उसको अपने जहन में लाइए और अब इस रीडिंग के बग़ैर प्लीज़ हम येस और नो सेशन करते हैं थिंक ऑफ योर क्वेश्चन मैं एक ही कार्ट पुल करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि आपका आंसर येस है या नो है प्लीज गिव अस आंसर मेरे व्यूअर का जो भी क्वेश्चन है प्लीज गिव अस आंसर ओहो आंसर खुद ही आ गया है लिसन टू योर इंट्यूशंस आप कोई भी सवाल आपके जहन में था जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हो आपको उसका जवाब ना मिल रहा हो शायद आपको उसका जवाब ऑलरेडी पता होगा तो आप अपनी गट फीलिंग पर जाइए आपका दिल जो कह रहा है वही सही है ठीक है ये आपके क्वेश्चन का आंसर था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पावरफुल रीडिंग बिकॉज ये आप ही की रीडिंग थी अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम व्यूवर्स की जो कि डे टू डे मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे हिम्मत दे रहे हैं एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज मेम्बर्स और उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच टेक केयर